हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निष्ठा होम किचन। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बनाएंगे काजू कतली बर्फ़ी। इसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, तो चलिए बनाते हैं। लेकिन इससे पहले, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन आप पर तुरंत पहुँच सके। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पर मैंने एक बाउल काजू लिया हुआ है, ये बिल्कुल ड्राई और फ्रेश काजू हैं। और ये सबसे पहले यहाँ पर एक मिक्सी जार लेंगे और जार के अंदर इन काजू को डाल के और इसको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, ढक्कन को कवर कर लिया और कवर करने के बाद मिक्सी को हमें रुक रुक के चला के और इसको बिल्कुल बारीक पीसना है। तो ये देखिए, यहाँ पर बिल्कुल बारीक पीस लिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले एक बाउल लेंगे, बाउल के अंदर छन्नी को रख के और इसको हम छान लेंगे, जिससे इसके अंदर यदि काजू के मोटे कण रह जाएँ तो ये छन्नी में ही रह जाएँ, तो इनको हम दोबारा डाल के पीस लेंगे, क्योंकि ये मोटे कड़ से काजू कतली में अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसको हम दोबारा डाल के मिक्सी जार में और इसको हम दोबारा से बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर हमने लगभग 140 ग्राम काजू पाउडर लिया है, इसमें हम 40 ग्राम मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। मिल्क पाउडर हम किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और इसके बाद इस मिक्सर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, यहाँ पर मिक्सचर को मिक्स कर लिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पर एक पैन लेंगे और पैन के अंदर हम 90 ग्राम शुगर लेंगे और शुगर को डाल दिया है पैन में और इसमें लगभग 70 ग्राम पानी ऐड कर लेंगे। और ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे और इसको हमें सिंगल तार की चाशनी बना के तैयार करना है। तो ये देखिए, इसको हम पका रहे हैं और ये देखिए, इसमें अच्छे से उबाल आने लगी है और ये देखिए, चाशनी अच्छे से यहाँ पर खोल रही है। और ये देखिए, इसको चलाते हुए हम इसको पकाएंगे और इसके बाद ये अच्छे से पक गई है। अब इसको हम चेक करेंगे, ये देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट सिंगल तार की चाशनी बन के तैयार हो गई है। अब इसके अंदर जो हम काजू का और मिल्क का मिक्सचर बना के रखे हैं वो इसी में ऐड कर देंगे। और इसको ऐड करने के बाद इसको फेचुला की हेल्प से अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे चाशनी को और मिक्सचर को। और ये देखिए, यहाँ पर मिक्सचर को खूब अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और देखिए कितना स्मूथ पेस्ट बन के तैयार हुआ है और कितना अच्छा लग रहा है। अब इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून देसी घी ऐड करेंगे और ये देखिए, यहाँ पर देसी घी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिलाते हुए चलाएंगे और यहाँ पर ये बिल्कुल अच्छे से स्मूथ पेस्ट बन के तैयार हो गया। अब यहाँ चेक करेंगे कि ये बिल्कुल तैयार है बर्फ़ी के लिए, तो यहाँ पर हाथ में घी लगा लेंगे और घी लगाने के बाद यहाँ से थोड़ा सा पेस्ट लेंगे और इसको हम गोली बनाएंगे। यदि ये बन जाती है तो ये सोचिए कि बिल्कुल परफेक्ट काजू कतली बनाने के लिए तैयार है। अब इसको, इसके बाद हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और ये देखिए, यहाँ पर ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो रहा है। तब तक हम एक पॉलीथीन लेंगे और उसके ऊपर 1/2 टेबल स्पून घी लेकर और उसको अच्छे से फैला लेंगे और इधर ये पेस्ट बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इसको हम पॉलीथीन पे निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसको हम हाथ से अच्छे से इसको फैलाएंगे। तो यहाँ पर हाथ से इसको अच्छे से फैला रहे हैं और हाथों में हल्का सा घी लगा लेंगे और इसके बाद इसको फैलाएंगे तो ये बहुत ही स्मूथ से बहुत ही अच्छे से फैल जाएगा। और ये देखिए, हम हाथ की हेल्प से चारों तरफ से फैला लिए हैं। अब फैलाने के बाद इसको हम बेलन से इसको हल्के हल्के से बेल लेंगे और इसको लगभग 1/2 इंच मोटा रखना है, क्योंकि काजू कतली बर्फ़ी थोड़ी मोटी ही अच्छी लगती है। और इसको हम चारों तरफ से अच्छे से बेल लेंगे और ये देखिए, हम इसको चारों तरफ से खूब अच्छे से बेलने लिए हैं और देखिए कितना अच्छा और स्मूथ बेल के तैयार कर लिया है। अब इसको नाइफ की हेल्प से हम अच्छे से इसको पतली पतली बर्फी शेप में काट लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हम इसको बर्फी शेप में काट रहे हैं
और ये देखिए काजू कतली बिल्कुल कट के तैयार हो गई है। देखिए कितनी अच्छी बनी हुई है और कितनी अच्छी कटी हुई है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और देखिए कितनी अच्छी काजू कतली बनी हुई है। और ये घर में काजू से काजू कतली बनाना बहुत ही आसान है और खाने में ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है और इसमें किसी प्रकार की मिलावटी नहीं रहती है और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये इस प्रकार हम घर में काजू कतली बर्फी बना के तैयार कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये इस प्रकार आप भी काजू कतली बर्फी बना के तैयार करिए। यदि आपको यह वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर करिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है बर्फी। और थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।